Hello, students, how are you? And let's uh, watch our third video Mother's Day, a lesson of Supplementary Reader Class 11th English, written by J.B. Priestley, presented by S.K. Jain, PGT English, J.N.B. Katni MP. So, students, we have seen two videos and we have come to know about the characters and the beginning of the play, the children Doris and Cyril. So, let's know about their nature. बोथ द चिल्ड्रन आर इंसेंसिटिव एंड र्यूड टू देअर मदर दे आर बोथ थाट लेस एंड सेल्फिश तो सरिल पियर्सन और डोरिस पियर्सन दोनों बच्चे इनसेंसिटिव हैं असंवेदनशील हैं और र्यूड यानी कि असभ्य तरीके से बात करते हैं अपनी मम्मी से थॉट एंड सेल्फिश वो थाटलेशस हैं मम्मी के बारे में नहीं सोचते हैं और सेल्फिश है स्वार्थी हैं केवल अपना हित अपना आनंद अपना अम्यूज़मेंट अपना अपनी डिमांड देखते हैं इनमें से जो डोरिस है वो प्रेटी गर्ल है अबाउट सेवेंटीन ईयर्स स्पॉइल्ड यानी बिगड़ी हुई बच्ची है बिगड़ गई है आदतें खराब हो गई हैं बिहेव इन एन एनोइंग एंड एन बिलफुल मैनर वो जिस तरह से बिहेव करती है वह नाराजगी भरा व्यवहार है और बिलफुल मैनर है उसका सिरिल सिरिल इज कॉन्सियस ऑफ हिज लुक्स ब्रास एंड अग्रेसिव इन स्पीच तो सिरिल अपने लुक्स के प्रति सचेत है सो so, डोरिस जो कि डाटर है वह सुंदर दिखती है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है सी इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड बिगड़ी हुई बच्ची है सी बिहेव इन एन एनोइंग एंड बिलफुल मैनर वह जिस तरह से व्यवहार करती है उससे किसी को भी गुस्सा आ सकता है अच्छा नहीं लगेगा बिलफुल मीन्स डिलीवरेट और इंटेंशनल मनमानी करने वाला जिद्दी हठी दुराग्रही व्यक्ति बिलफुल कहलाता है और सरिल जो कि यहाँ पे फोटो में आप इमेजिन कर सकते हैं सिरिल पियर्सन लड़का है छोटा है डोरिस की तुलना में सिरिल इज कॉन्सियस ऑफ हिज लुक्स उसको अपनी लुक्स की बहुत चिंता होती है और ही इज ब्रास एंड अग्रेसिव इन स्पीच ब्रास मीन्स संबन विथ रफ सेल्फ सर्विंग और रूड मैनर रूड यानी कि भद्दा व्यवहार और रफ़ बिहेवियर जेंटल बिहेवियर नहीं सेल्फ़ सर्विंग यानी कि उसको जल्दी से चीज़ें अपने हाथ में चाहिए रेस्टोरेंट जाएगा तो ऑर्डर करेगा कि उसको एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जल्दी से उसको चीज़ें सर्व कर दी जाएँ ऐसा ही बिहेवियर वो घर पर भी चाहता है नेक्स्ट करेक्टर इसमें है जॉर्ज पियर्सन तो जॉर्ज पियर्सन इज़ स्लो एंड पोम्पस ही नेग्लेक्ट्स हिज वाइफ ही कंसिडर्स हिमसेल्फ सोशली सक्सेसफुल एंड ही प्रेफर्स टू स्पेंड हिज टाइम एट द क्लब विथ फ्रेंड्स हु कॉल हिम पोम्पी ओम्पी पियर्सन तो मिस्टर पियर्सन स्लो यानी धीरे चलने वाले और पोम्पस यानी अपनी ही बढ़ाई करने वाले अपनी ही प्रशंसा करने वाले अपना बात अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताने वाले हैं ही हिज वाइफ अपनी वाइफ की उपेक्षा करते हैं और अकेले बाहर घूमने जाते हैं और अपने आप को वो सोशली सक्सेसफुल समझते हैं वह क्लब में अधिकतर समय बिताते हैं और क्लब में उनको लोग पोम्पी ओम्पी पियर्सन करके चढ़ाते हैं इस बात का उनको पता नहीं है इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं सिनिस्टर मीन्स सजेस्टिंग ईविल फ्लटर फ्लरीड मीन्स नर्वस पुट योर फुट डाउन मीन्स बी फर्म एस्टाउंडेड मीन्स सॉग्ड क्लॉट मीन्स इडियट गफ्फा मीन्स लाफ लाउडली एट सिक्स एंड सेवन्स मीन्स इन कन्फ्यूजन लेकोनिक मीन्स यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल कम शब्दों का उपयोग करना नाउ

सी इज़ आफ कलर आर समथिंग सी इज़ वार्मिंग सी इज़ बिहेविंग लाइक अ क्रेजी पर्सन सो यह सब सुन लिया मिसिज पियर्सन ने और वो यह देख कर कि बच्चे हंस रहे हैं uh, इस बात पर मदर चाइडेड देम मिसिज पियरसन ने उनको डांटा एंड आस दैम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स और उनसे कहा कि तुम कब ग्रोन अप्स की तरह बिहेव करना शुरू करोगे तुम कहते हो कि तुम बड़े हो गए हो ग्रे हाउंड रेसेस में जाने के लिए तुम बड़े हो गए हो डोरिस अपने फ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने के लिए बड़ी हो गई है लेकिन उसको बड़े बच्चे कैसे बिहेव करते हैं वह अभी नहीं आया है डोरिस देन आस्ड हर मदर फॉर सच बिहेवियर हर एंड इफ दे हैड डन समथिंग रॉन्ग तो डोरिस अपनी मदर से पूछती है कि मदर आज आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं क्या हमने कुछ गलत किया है दैन मिसिज पियरसन टेल्स दैम देट इट इज़ एक्चुअली द चिल्ड्रंस एंड हर हजबेंड्स बिहेवियर देट हेज़ डिस्टर्ब हर तो मिसिज पियरसन ने बताया कि बच्चों आप लोगों का और आपके पापा का बिहेवियर ही है जिसने उनको डिस्टर्ब किया है क्योंकि आप लोग बस आते हो चीज़ों को मांगते हो भोजन चाहिए चाय चाहिए ड्रेस में प्रेस किया कि नहीं जूते पॉलिस किए कि नहीं तो जब आपकी बातें या इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं तो आप फिर से बाहर चले जाते हैं दे ऑलवेज कम एंड गो आउट विदाउट बॉदरिंग अबाउट हर तो बिना मदर की वाइफ की केयर किए चले जाते हैं दे डिमांड ड्यूटीज़ फ्राम हर एंड सी डज हर बेस्ट टू कीप एवरी वन हैप्पी एंड स्टिल नो बडी इज़ बॉदर्ड अबाउट हर तो सभी को मदर से एक्सपेक्टेशंस हैं और वह है सबसे अच्छे से अच्छा काम करके उनको संतुष्ट रखने की कोशिश करती है एंड स्टिल नो बट इज बॉडर्ड अबाउट फिर भी कोई भी मदर की ओर ध्यान नहीं देता उनकी चिंता नहीं करता सी रिमार्क दैट वाइल द थ्री ऑफ देम डू ऑफ फोर्टी आवर अक विथ टू डेज एज वी एंड सी डी गोज ऑन वर्किंग सेवन डेज राउंड द क्लॉक सी प्रोक्लेम्ड दैट सी वुड डू समर्क ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली एफ सी इज थैंक् फॉर एवरीथिंग तो यह भी मदर ने कहा कि तीनों के तीनों आप लोग चालीस घंटे काम करते हैं एक दिन के आठ घंटे तो पाँच दिन काम करते हैं चालीस घंटे सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका है ना और दो दिन वीकेंड रहते हैं जबकि वह स्वयं पूरे हफ्ते काम करती रहती हैं राउंड द क्लाक सिख प्रोक्लेम्ड और, और वह घोषित करती हैं कि आगे से वह भी अब एट आवर डे ही काम करेंगी और सैटरडे संडे ऑफ रखेंगी और यदि वह कुछ काम करेंगी तो वह केवल तभी करेंगी जब इसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाएगा और इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा हर चीज़ जो भी वो करेंगे उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा सभी को नाउ मिसिज पियरसनस एंट्री वैन द मदर स्कोल्डेड डोरिस एंड सिरिल ड्यूली एंटर्ड जॉर्ज पियर्सन एंड इज एनॉयड एट हर वाइफ सिपिंग स्टाउट तो मिस्टर पियर्सन की एंट्री होती है मिस्टर पियर्सन घर आते हैं और देखते हैं कि डोरिस और सिरिल को डांट पड़ी है मदर से और वो रो रहे हैं उदास हैं उनकी आंखों में आंसू हैं और वाइफ स्टाउट ड्रिंकिंग कर रही हैं तो इसको देख के वो नाराज़ हो जाते हैं ही टोल्ड हर दैट ही वुड हैव सपर एट क्लब एंड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टी उन्होंने यह भी बताया कि उनको आज क्लब में सफ़र के लिए जाना है इसलिए वह कोई चाय नहीं पीना चाहते तो वाइफ ने बताया कि कोई चाय तैयार भी नहीं की है तो इस पे वो नाराज़ हो जाते हैं अपनी वाइफ से और कहते हैं कि मान लो उनको चाय की आवश्यकता होती तो हुँ? तो क्यों नहीं बना के रखी तो मिसिस पियर्सन इज फ्लैगर बास्टेड एट सच कंडक्ट Uh, माने वह कहती हैं कि क्या आपने कभी यह क्लब में भी ट्राई किया हो कि जब क्लब में आपको कोई ड्रिंक नहीं पीना हो और आप नाराज हुए हों कि निकाल के क्यों नहीं रखा तो इस पर फ्लैगर बस्टर्ड यानी कि सॉक्ड रह जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं द वाइफ कंटिन्यूज टू रिव्यू द हजबेंड टेलिंग हिम दैट वाई ही गोज़ टू क्लब वन ही जोक अमंग देयर तो मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आप बार बार क्लब क्यों जाते हैं जहाँ पर आपका मजाक उड़ाया जाता है और आपको आपको एक मजाक की विषय वस्तु बना के लेते हैं लोग और आपको पोम्पी ओमपी पियर्सन कहते हैं तो यह सुन के जॉर्ज पियर्सन सॉक्ड रह जाते हैं और अपने बच्चे से कंफर्म करवाते हैं सरिल पियर्सन क्या बताओ बेटा क्या मुझे वो पोम्पी ओमपी पियर्सन कहते हैं तो सिरिल गॉट अपसेट एट हिज मदर येट टोल्ड द फादर दैट इट वॉज द ट्रूथ तो सिरिल अच्छा तो नहीं लगता सिरिल को कि मदर ने फादर को सच्चाई बता दी लेकिन वह कहता है कि हाँ ये सही है मदर जो बोल रही हैं वो सच है तो फाइनली मिसिज फिजराल कम्स मिसिज फिजराल वापस आती हैं सो मिसिज फिजराल जो कि वास्तव में जिनके अंदर मिसिज पियर्सन की पर्सनैलिटी है मिसिज पियर्सन टोल्ड हर दैट सी वाज जस्ट पुटिंग एवरी एट प्लेस एंड दैट द थिंग्स वर ऑल राइट तो मिसिज पियरसन जिनके अंदर मिसेज फिजराल की पर्सनालिटी बताती हैं कि वो चीज़ों को सही कर रही हैं तो मिसेज पियर्सन रिक्वेस्टेड टू तो हैव हर बॉडी देन एंड मिसेज पियर्सन ऑन अ कंडीशन दैट पियर्सन वुड नॉट गो सॉफ्ट ऑन हर फैमिली तो वापस पर्सनालिटी बदलने को कहती हैं लेकिन मिसेज फिजराल ने शर्त रखी कि आपको फिर से सॉफ्ट नहीं होना है तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी वापस चेंज कर ली और मिसेज फिर अपने घर वापस चली जाती हैं और बच्चे और हस्बैंड आपस में एक साथ बीच में आकर के और डिसाइड करते हैं टू हैव डिनर टुगेदर एंड प्ले प्ले गेम ऑफ रमी